सुबह अलमारी क्यों खोली? मेरी कसम मैं तो बोल अलमारी क्यों खोली? नहीं खोली मैंने, मुझे सिर की जरूरत है। नहीं खोली ना, देख पापा उस टाइम घूमने जा रहे थे, मुझे इन घर वाले तरह आ मत कर। देखो देख रहे तू माँ की, मेरी कसम खाए अलमारी क्यों खोली? छोटी वाली इधर वाली, कौन सी वाली? इधर वाली खोली, खोली नहीं। जय माता राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। मैं शांति कुमार देवी उत्तराखंड से, स्वागत है आपका आज की मेरे न्यूज़ ब्लॉग में। आज की न्यूज़ ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी सुबह की छठा पीढ़ी से दोस्तों। आज दो दिन से यहाँ बहुत भयंकर बारिश आ रही है, तो देख सकते हो आप लोग ये बारिश आ रही है। सुबह से लग गई थी ये बारिश, और कल भी बहुत मोटी बारिश आई थी, परसों भी बहुत मोटी बारिश आई थी। ये देखो तो ये पूरे सावन में बारिश ऐसी आई नहीं, अब जैसी सावन निकल के भादों लग गया है तो दोस्तों ये देखो ऐसे तो बाहर कैसे निकलना है, कपड़े सुखाना है, बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों। ये देखो इससे कम से कम एक घंटा से ऊपर हो गया इस बारिश को, और मेरे लड्डू यहाँ पर रोटी खा के बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि कब ये मुझे अंदर ले जाएगी ताकि मैं अंदर घुसूँ, है ना। इसको बाहर रहना पसंद नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर बैठ के दरवाजे यहाँ पर अपना पंजा मारता है, फिर ऐसे करता खर खर यहाँ पे बैठ के दरवाजा खोलने के लिए बोलता है हमेशा। खर खर करो यहाँ पे, दरवाजा खोलने के लिए बोलो बोलो यहाँ पे। ऐसा कौन करता है यहाँ पे? ऐसा ऐसा लड्डू करता है ना, ऐसा ऐसा। ये देखो ये देखो अंदर जाने के लिए चाहिए इसको, अंदर जाने के लिए तो इसका यही तरीका है, वहाँ पर बैठेगा मोटे मोटे कपाल फोड़ने अभी अंदर चल की। देखो देखो अंदर चल की, मैं नहीं जा रही अंदर, तू ही बाहर रहेगा, तो बाहर रहेगा तो ठंडा है मौसम, समझ गया। इसको बाहर रहना पसंद नहीं है दोस्तों, क्या करना है इसका, हमने इसका करना क्या है, हमने फुल अंदर चाहिए इसको, अंदर चाहिए इसको, अंदर मारो इसको मारो समझ करो इसकी याद देखो खराब। देखो मैं इसको बंदूक देखो इसके, क्या समझता दोस्तों एक गोली से गोली मारो जिसको भाग गया अंदर है, बाहर रहना पसंद नहीं है इसको बिल्कुल भी ना, पागल बच्चे को। देहरादून में देख सकते हो कितनी भयंकर बारिश आ रही है, ये गली है हमारी जो इसमें पानी फुल भर चुका है। मुझे सबसे पहले अपने ये देखो कितना बड़ा गदरा आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। और मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है क्योंकि इसकी गाड़ी नीचे पे आती है, तो सबसे पहले ये पैंट ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ये भीग जाएगी। ये देख सकते हो ऐसा गदरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, और मेरी बेटी का आज हाफ डे है, अगर वो आ गई होगी तो वो हल्ला मचाएगी मेरे को, मुझे लेने नहीं आए। ये देखो इनके गेट के अंदर पानी भर गया दोस्तों, ये देखो सर अंदर चले गया पानी, इतना मतलब इससे रोड से ओवरफ्लो हो रहा है, सीधा अंदर जा रहा पानी। अरे ओ मेरा पैर, गाड़ी वाला भी आ रहा है। अरे यार कार लेके भी नहीं आए, मुझसे बड़े क्या पागल होंगे भी ना, पैदल आ रही देखो दिमाग मेरा ना तेज है, कार लेके आती सब बढ़िया। यहाँ पर फेरी वाला भी आया था, वो भी बैठ गया वहाँ पे। ये देखो भयंकर वाला गदरा, विष्णु जन्माष्टमी की तैयारी देख सकते हो दोस्तों। देखो विष्णु के कपड़े, राधा के कपड़े, और ये हमारे हाईवे रोड जिसमें ये देख सकते हो बारिश, तो यहाँ पर से हमारा चौक अंदर को है गली, और ये हमारे हाईवे रोड है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखो दोस्तों राधा कृष्ण के कपड़े अच्छे के, और हमारे भाई जी। मैं ले रही हूँ कान्हा के लिए कपड़े, अभी देख रही हूँ कैसे हैं फिर लूँगी। चौक पे बारिश की वजह से बहुत भीड़,
क्योंकि लोग, मुझे लग रहा है आज ये बारिश नहीं आई, इसी में गणेशपुर रतन में बारिश आ रही है, इसलिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पे बारिश से काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। और तो अभी तक बेटी नहीं आई मेरी। दोस्तों ये आ चुकी है, इससे देखिए मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस टाइम, क्योंकि इसने बहुत टाइम लगा दिया। मैं 11 बजे जा रही थी, अभी 12:30 हो चुकी है। ये देखो दोस्तों इतनी देर में आ रही है। तो इसने बोला था वो है प्रैक्टिस है, मैंने सोचा नहीं होगी, मैंने सोचा वहाँ यहाँ बारिश आ रही, तो वहाँ भी बारिश आ रही। मैं 1.5 घंटे से यहाँ से 11 बजे से 12:30 बजे हो चुकी है दोस्तों, और मैं तब से खड़ी हो रही, मैं थक गई खड़े खड़े होते होते। मैंने सोचा इसके जूते उठा के हाथ पर ले जा लूँगी, इसे अपने चप्पल दे दूँ, जब तक मैं थोड़ा सी ऊपर आई तब तक ये क्या क्या करा इसने, जूते भिगा दिए। बताओ मेरी सारी मेहनत इतने दिनों बाद मैं इसको लेने आई यहाँ पर, मैंने कहा बारिश सारी छाता पकड़ो जरा, मेरे कपड़े भीगे। इसकी हालत इसकी ये ऐसी है, छाता मैंने उसको दे दिया। बारिश हो गई थी काफ़ी देर पहले, जाने की यहाँ क्या करे, वहाँ बारिश है, वहाँ पानी आ रहा है, देखो नीचे पानी आई, मेरे कपड़े गीला हो गए, रुक जा मेरे कपड़े गीला हो रहे, रुक तो तेरे तो हो ही गए, रुक जा तेरे चक्कर में यहाँ। इसके जूते देखो दोस्तों, इसके जूते यहाँ पे मन कर रहा है लेट जाओ, ठंडे इसके जूते देखो यहाँ, मैं कोई कदा नहीं जूतों की यार, बिगा दे धोने धोएगी अभी देखना, वापस छोड़ेगी वो गिल्ले जूते, पागल बेटी। क्या देखो इसके लक्षण, गंदा पानी है, ये गंदा पानी है ऋतिक, हाँ बहुत पानी है दोस्तों। आज जिस चीज के लिए मैं यहाँ रुकी थी उसने यहाँ देखो बिगाड़ दिए जूते, ऐसी है ये आलसी निकम्मी। तेरा कपाल जाएगा सुर। मौसी नमस्ते, बूढ़ी प्रणाम। थक गई मैं इतनी देर से खड़े खड़े रह रहे थे, बैठा हूँ वहाँ बैठने के लिए था ही नहीं, मेरे को मैं मन कर मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा सारे बच्चे आ गए अभी तक क्यों नहीं आई है, मैं तब से इंतजार करते करते थक गई। आपको ये पता था मेरी प्रैक्टिस थी? मुझे नहीं पता था ना तेरी प्रैक्टिस है, मैं भूल गई थी, भूल गई क्या गई थी, मैंने सोचा बारिश आ रही, वहाँ भी बारिश आ रही होगी, यहाँ भी बारिश आ रही होगी, इस चक्कर में मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो कम बारिश में थोड़ी खेला जाता है, स्कूल की गाड़ियाँ भी आ गई थी, मैं फ़ोन कर रही कहीं ये घर तो नहीं पहुँच गई, मैं इसके फ़ोन में भी फ़ोन कर रही थी, मैंने क्या पता हो सकता है मैं इधर उधर देख रही होगी तो इतनी देर में ये घर पहुँच गई होगी, तो ये घर में जी लियो जाइए, ये लियो जाइए, ये जूता भी गया था एक था दिया अखबार भीग गया, इतनी मोटी बारिश आई ना यहाँ, बहुत मोटी बारिश, बहुत भयंकर बारिश आई, गेट बंद कर रहे, गेट बंद कर दो, बहुत मोटी बारिश आई है, ऋतिक पैर धो दियो, देख ये बाल्टी भर गई ना, ये बाबू की पानी की बाल्टी भर गई ना, इससे भी भयंकर बारिश आई थी, ये मैंने बहुत देर में लगाई थी ये वाली बाल्टी, ऋतिक पैर धो दे इधर, पैर धो दे गंदा पानी, वो जूते उतार के वो कर दो, धो दे ये दे, देखो दोस्तों कैसे फेंका इसने, ये बैग पड़ा है, छाता पड़ा है, ये देखो ये है इसके लक्षण, थक गई नाना और के छाता भी यही है ऋतिक, अरे वहाँ जाने के लिए नहीं है भाई, अब मेरा मोटू क्या कर रहा है यहाँ है, मोटू शोर का, इसे कोई वो नहीं है, अब उठाई देखो इसकी चीख देखो है, शोर का था ना ये गनगोर नींद में, ऋतिक आ गई ना, अब चेक कर रहा जन हका ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, कौन से पैसे निकाले थे तूने, पैसे ना देख लिया, अलमारी किसने खोली, मां कसम निकाली नहीं मैंने पैसे।
अलमारी क्यों खोली? मैंने तो खोली सुबह। नहीं खोली ना, वो निकाल तो मैं सुबह अलमारी क्यों खोली? तो बोल अलमारी क्यों खोली? नहीं खोली मैंने, सिर के दरवाजे नहीं खोली ना। देख पापा उस टाइम घूमने जा रहे, मुझे नहीं दरवाजा दरवाजा मत कर। देखो देख रहे तू माँ की, मेरी कसम खाए अलमारी क्यों खोली? छोटी वाली इधर वाली। कौन सी वाली? इधर वाली। नहीं खोली, खोली नहीं ना, तभी तो बोली मैंने अपनी दोस्त से मांगे पैसे, पूछ लेना। देख पापा तो घूमने चले गए थे। मम्मी यार क्या फालतू बदतमीजी मत करो मेरे साथ, मैं लेके नहीं गई, गिन लो पैसे वही है। गिनो मेरे पास नीचे कैसे गिरा ये वाला? क्या गिल्लो? बस अलमारी खुली है, मैंने आवाज आ रही थी, मैं अंदर पर थी। नहीं जब मैं अंदर थी मैंने नहीं खोली अलमारी। अब मैंने कहा मेरे पे पैसे भी नहीं है, मैंने अपनी दोस्त से मांगे पैसे। माँ कसम खाना की कसम, ये ले लो मम्मी, मैं पैसे नहीं लेके गई। अलमारी किसने खोली? मैंने आधे रास्ते में बोल दिया था पैसे लेने, कैब में वापस जा रही, फिर वो आदिति है ना वहाँ मना रही, उसने दिए मुझे पैसे। मेरे को नहीं पता ना क्या लेने के लिए, मैं दाना फोड़ रही थी अपना वहाँ, यहाँ खड़ी हो गए अलमारी पे। तो पैसे दे देना मेरे को, उसके वापस देने पैसे, और आते राशि के भी देने आज। उसने आते वक्त पैसे दिए, क्या बात कर रहे हो? देखी ना आप हरे रंग की मेरे साथ बैठी थी, पागल पागल है ये दोस्तों। खुद का दिक्कत है कि मैं गलत थी तो पागल है। मैं गलत नहीं हूँ सच में, माँ की कसम से। मैंने मैंने अलमारी की आवाज सुनी थी, फिर मैंने सोचा ऋतिक ने ले लिए, फिर मैंने वो नहीं करा, क्योंकि जब तक मैं बाहर आऊँ तब तक वो पैसा ले लिए थे, मतलब तू चलेगी थी। ठीक है दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी ऐसी लड़ाई होती, चोर चोर झूठी मम्मी, लड़ाई होती रहती है। पैसे नहीं दिए, पता है मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं पैसे कैसे मांगती, किससे मांगती हूँ? पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, मैं घर में थोड़ी थी, तुझे बोलना चाहिए था ना। मैंने अलमारी की आवाज सुनी है, मैंने सोचा तूने ले लिए, और लड़ गई थी मेरे साथ, हिम्मत दे तू लड़ रही मेरे साथ, आप लड़ रहे भाई, मुझे अलमारी की आवाज आई है ना, मैंने रोज ऋतिक ने ले लिए, फिर मैं चुप रही। अब मुझे नहीं पता तू सच बोल रही है। पापा जी ने मेरा फोन ऊपर अलमारी के ऊपर रखा। पापा जी ने कब रखा? सुबह। पापा जी मेरे से पहले घूमने चले गए थे, जब तू स्कूल गई उससे पहले पापा जी घूमने चले गए थे ना? नहीं गए थे पापा जी, मैं एक साथ उठे थे, पापा जी ने मेरे हाथ में फोन दे रहा था। उठने की बात नहीं करी मैंने, स्कूल जाने की, जब तू स्कूल गई थी उससे पहले पापा जी घूमने चले गए थे, समझ गई? ये सब मुझे नहीं पता। बाय बाय, ऐसे ही लड़ते रहते हम दोनों।